इस व्लॉग की शुरुआत गणपति बप्पा जी के पास से। तो मेरे साथ जोर से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घंटा करके सिद्धि विनायक मंदिर। चलते आपको दर्शन कर, आज हमारा गणेश चतुर्थी, तो बहुत मजा आने वाला है। ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। जैसा मैंने आपसे बताया, जो हमारा सिद्धि विनायक मंदिर है, ये आपका तीन खंड में बना हुआ है। आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, आपको तीनों जगह पे आपको गणपति की मूर्ति मिलेगी। प्यारी प्यारी देखने को ब्लॉग है, देख ले बाहर कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। अभी हम लोग वहीं खड़े ब्लॉग कर रहे थे, आइए चलते ऊपर, चलते आपको फर्स्ट फ्लोर पे और चल के आपको दर्शन कराते गणपति जी के। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति यार। मैं पहुंच चुका हूं फ्लोर पे, आइए आपको दर्शन कराते हैं गणपति जी के। और आप ये चेक कर गए, पहले यहाँ का डेकोरेशन कितना अच्छा पूरा डेकोरेट कर रखा है। और हमारे सामने गणपति जी है, ये रहे हमारे गणपति जी। गणपति पप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। यार बताइए कैसा लगा आपको, मैंने यहाँ पे गणपति जी के आपको फर्स्ट फ्लोर पे दर्शन करा दिए, अब चलते सेकंड फ्लोर पे। गाइस आप देख पा रहे कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया फर्स्ट फ्लोर का, तो सुंदर लग रहा है। आप देख लीजिए पूरा ध्यान से एक बार पूरा दिखा दिया। आइए अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे और आपको सेकंड फ्लोर पे चल के गणपति के दर्शन करा दिए। यार हम लोग चल रहे हैं यहाँ से सेकंड फ्लोर पे, आइए आपको सेकंड फ्लोर पे चल के हमारे प्यारे प्यारे गणपति जी के दर्शन कराते हैं। गाइस आपको यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, गणपति जी की आठ प्रकार की देखने को मिलेंगी आपको प्राचीन मूर्तियाँ। तो मैं आपको ये दिखाने के लाया था, कितनी सुंदर मूर्ति है। आइए मैं आपको यहाँ पे गणपति जी के आठ अवतार दिखाता हूँ, उनके आठ रूप। चलिए बारी बारी आपको दिखाते हैं। ये हमारे अष्ट विनायक, जैसे आप देख पा रहे आठ मूर्तियां हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि अष्ट विनायक। गाइस आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, गाइस आप लोग जानते हैं ये मंदिर कितना पुराना है। गाइस ये मंदिर बना था सन 1921 में, मतलब कि हम लोग की आजादी से पहले। और इनको जो स्थापित किया था गाइस, वो किया था हमारे लोकमान्य तिलक जी ने। तो मैंने आपको ये चीज बता दी, बहुत कम लोग बता पाते हैं कि हमारा ये मंदिर कितना पुराना, कितना प्राचीन, कितना पुराना। जैसा मैंने बताया आपको, ये बना था हमारा सन 1921 में। तो गाइस ये था हमारा सेकंड फ्लोर, मैंने आपको यहाँ पूरा दिखा दिया, दर्शन करा दिए। आइए चलते हम लोग यहाँ से थर्ड फ्लोर पे, और आपको थर्ड फ्लोर पे गणपति जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, चलिए आपको वो दिखाते हैं। चलो भाई चलो, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गाइस आप दर्शन कर लीजिए यहाँ पे गणपति जी के, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गाइस आपको मैं ये दिखाने के लिए यहाँ पर लाया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे थर्ड फ्लोर पे मूर्ति मिलेगी आपको देखने को, आप दर्शन कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी मूर्ति है पूरे मंदिर के अंदर। यार मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे तीनों खंड पे, मैंने आपको तीनों गणपति बप्पा जी के दर्शन करा दिए। गाइस यहाँ पे देख पा रहे चौथा खंड और है, तो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी विष्णु जी की मूर्ति। आइए आपको ऊपर विष्णु जी के दर्शन भी कराते हैं। गाइस यहाँ पे आपको गणपति के दर्शन करने को मिलेंगे तीन खंड में, पहला, दूसरा, तीसरा, जो हमारा चौथा खंड है। यहाँ पे आपको हमारे विष्णु जी और हमारे दुर्गा के नौ रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए, आपको यहाँ तक आए तो चल के आपको ऊपर का पूरा भ्रमण कराते हैं। गाइस आप देख लीजिए ये हमारा लास्ट फ्लोर पूरे मंदिर का, हमारा चौथा फ्लोर। देख लीजिए यहाँ पे हमारे विष्णु जी की मूर्ति बनी हुई है, मैं आपको इन्हीं की बात कर रहा था, यही दिखाने के लिए आया था चौथे खंड पर। और आप देख पा रहे गाइस ये हमारे दुर्गा के नौ रूप माता जी के, आपको ये भी देख लीजिए, आपको यही दिखाना था। सामने हमारे विष्णु जी हैं और उनके नीचे देखिए सामने हमारे पूरे यहाँ दुर्गा माता के नौ रूप। तो आप लोग गाइस यहाँ पे दर्शन कर लीजिए विष्णु जी के भी और हमारे दुर्गा माता जी के भी। जय माता दी, जय विष्णु भगवान। 24 आवर यहाँ पे अखंड ज्योति है, जो आपकी परमानेंट जला करती है, कभी बुझती नहीं है। आप जब भी यहाँ आएंगे, किसी टाइम भी आएंगे, आपको ये अखंड ज्योत हमेशा जलती मिलेगी। अरे श्री गणेश चालीसा आप लोग पूरी पढ़ सकते हैं, आज गणपति जी का दिन है, उनका जन्मदिन है, गणेश चतुर्थी है। वैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर पूरी गणेश चालीसा, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। यार चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे, बिकॉज अब हमारा यहाँ पे मंदिर का पूरा जो आपका टूर था खत्म होता है। आपको यहाँ पे चार फ्लोर थे, मैंने आपको दिखा दिए,
तीन फ्लोर पे आपको मैंने जैसे बताया गणपति जी की आपको प्यारी प्यारी मूर्ति मिलेगी, मैंने आपको दर्शन भी कराए। चौथे फ्लोर पे आपको विष्णु जी के दर्शन करने को मिलेंगे, मैंने आपको वो भी करा दिए। तो चलिए चलते हैं, फटाफट चलते हैं यहाँ से नीचे। और गाइस हमको जाना है एक बहुत बढ़िया रथ यात्रा निकलने वाली गणपति जी की, तो मुझे आपको वो भी दिखानी है। तो चलते फटाफट पहले यहाँ से नीचे। आप लोग यहाँ से देख लीजिए एक बार बाहर का व्यू, ये चेक करें गाइस, ये कुछ ऐसा व्यू आ रहा रोड का, ये देख पा रहे हैं आप। देख पा रहे हैं जैसे हम लोग यहाँ से ऊपर गए थे वैसे यहाँ से नीचे आ चुके हैं आप, ये चक्कर हम लोग आ चुके ग्राउंड फ्लोर पे। आइए चलते हैं यहाँ से मंदिर के बाहर और फिर आपसे कहाँ जाने वाले नेक्स्ट यात्रा पे आपको बता दें, बहुत बड़ी रथ यात्रा होने वाली कानपुर में, मजा आएगा, बने रहिए। इस यार चलने से पहले ले लेते हैं यहाँ पे प्रसाद, प्रसाद लेके फिल्म निकलेंगे यहाँ से। ये गाइस हम लोग पति पप्पा जी का प्रसाद मिल गया। तो फिर से एक बार जोर से बोलिए गणपति पप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। खा लो खा लो। अरे राम सीता लक्ष्मण जी के दर्शन निकल लीजिए, उनकी देखिए हमें मूर्ति लगी हुई है। जय श्री राम। गणपति पप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आपने देखा मुझे जो प्रसाद मिला मंदिर के अंदर, वो मैंने बाहर किसी जरूरतमंद को खिला दिया। आप चलते फटाफट यहाँ से, मुझे जाना गणपति जी की बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलने वाली है साकेत नगर में। तो फटाफट चलते हैं, पहुँचते हैं साकेत नगर, आपको दिखाते हैं वहाँ की रथ यात्रा। यार जैसा मैंने आपको बोला था यहाँ पे रथ यात्रा होगी, देखिए उसके लिए देखिए यहाँ पे घोड़े वगैरह आ गए हैं और गाइस देखिए यहाँ पे रथ तैयार किया जा रहा है। तो ये कुछ रथ यात्रा निकलेगी, ये आपको पूरा दिखाएंगे, जैसे यहाँ तैयार होता है हमारा रथ आपको पूरा दिखाएंगे। यार मैं आपसे जिस यात्रा के बारे में बात कर रहा था वो गाइस कानपुर में हमारी एक ही यात्रा होती है, और जैसा मैंने आपको दिखाया था जो भैया महाराष्ट्र से सारी मूर्तियां लाए थे गाइस, ये उन्हीं के द्वारा कराई जाती है। तो चलिए मैं आपको वहीं के स्पेशली यहाँ पर आया था, उनके घर से यात्रा निकलती है और जहाँ पर उनकी दुकान लगी थी, स्टॉल लगा था साकेत नगर में, वहीं तक जाएगी पूरी यात्रा। तो चलिए आप साथ साथ बने रहिए, आपको पूरी यहाँ की रथ यात्रा दिखाते हैं। तो गाइस यार मैं आपसे इसी यात्रा की बात कर रहा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस ये कानपुर की इकलौती रथ यात्रा है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये यात्रा कराई जाती है अतुल भैया के द्वारा, और ये खुद इस यात्रा को रथ खींच के खुद करते हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं खुद रथ खींच के वो पूरी यात्रा करेंगे, आपको दिखा रहे हैं। भाई साहब देख पा रहे हैं सबसे बड़ी बात ये, आप ये चेक करें घोड़े होने के बावजूद भी लोग यहाँ पे खुद रथ यात्रा देखिए खुद रथ को खींच रहे हैं। यार बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को यात्रा देखने, मजा आ रही है ना, आप ये चेक करें मेरे पीछे यात्रा आ रही है, हम लोग पूरा यात्रा बने हुए हैं। और गाइस ये यात्रा जाने वाली है वहां तक जहां तक मैंने आपको दिखाया था, मैंने मूर्तियों का स्टॉल लगाया था जो मूर्तियां महाराष्ट्र से लाए थे। तो चलिए फटाफट चलते हैं, आपको यात्रा दिखाते रहेंगे, तो आप लोग गाइस आप लोग यात्रा बने रहिए। जो मूर्ति यात्रा में लाई गई थी वो मूर्ति को यहाँ पे देखिए स्थापित कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, अभी यहीं पे इनकी पूजा करी जाएगी। तो गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूजा होने जा रही है, आप ये चेक करें। तो गाइस आप देख पा रहे हैं पूजा हो चुकी है, मूर्ति को वापस की ओर ले जाया जा रहा है, यहाँ पे पूजा करके वापस से भगवान जी को रथ में रख दिया गया है। अब गाइस ये जाके हमारी भगवान जी की मूर्ति जाके मंदिर में रखी जाएगी और वहाँ स्थापित करी जाएगी। यार आपने देखा यहाँ पर उनकी पूजा हो चुकी है, अब वापस से ले जाया जा रहा है मूर्ति को घर पे रख के उनकी पूजा दोबारा से करी जाएगी। तो ये चक्कर गाइस यात्रा वापस से चल चुकी है, अभी डायरेक्ट घर पहुंचेगी, तो आपको हम डायरेक्ट घर पहुंच के मिलते हैं। ओके यहाँ पे आ चुकी है, जैसे कि देख पा रहे यात्रा
कंप्लीट होके वापस से घर पे। आप ये चेक करें, इसी घर में मूर्ति स्थापित हुई थी, यहीं से ले जाया गया था यात्रा के लिए, वापस से लाके इसको घर में स्थापित किया जाएगा। पति पापा जी आ चुके हैं, आप ये चेक करें, गए एक से आए दो दो हैं। आप देख पा रहे हैं मूर्ति को उतारा जा रहा है रथ से, उनको अंदर जाके स्थापित किया जाएगा। ये चेक करें, मूर्ति अंदर ले आया जा रहा है। यार मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कैसी होती है यात्रा, आपको मजा आया होगा। अब गाइस वो लोग अंदर ले जा चुके हैं घर के अंदर मूर्ति, वहाँ पे स्थापित करेंगे, पूजा करेंगे। और वहाँ का ब्लॉग अच्छा नहीं लगता बनाना, बिकॉज इनकी कुछ प्राइवेसी भी होती है, तो मैं अंदर का ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। इस ब्लॉग को गाइस मैं यही एंड करूंगा। बताइए कैसा लगा आपको आज मिले गए सिद्धि विनायक मंदिर, मैंने पूरा आपको वहाँ दर्शन कराया। उसके बाद मैंने पहली बार ज्वाइन करी यहाँ पे गणेश जी की यात्रा, मैंने आपको वो भी दिखाया, बहुत मजा आया, बहुत डिफरेंट चीज़ थी, बहुत अच्छा लगा। फिलहाल गाइस काफ़ी लेट हो गया हम लोग को, और आप लोग जोर से मेरे साथ बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो ठीक है, फिलहाल इस ब्लॉग को आज मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा वीडियो करिएगा लाइक, चैनल करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।